नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है इस्लाम धर्म की सच्चाई। जैसा कि पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से सभी धर्मों की सच्चाई दिखा चुके हैं, हमारा उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ है उसमें लोगों को जागरूकता फैले। इसी के साथ आज हम इस्लाम धर्म पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या इस्लाम धर्म में जो भक्ति विधि चल रही है क्या वो सही है, क्या इस्लाम धर्म में चलने वाली सभी साधनाओं से मानव का कल्याण हो सकता है। इसी चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद खान, इनसे हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म के विषय में, क्योंकि पहले ये इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे लेकिन अब ये संत रामपाल जी के भक्त बन चुके हैं, और इनसे जानेंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे, कब और क्यों हुआ। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद खान। शहजाद खान जी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को अपने चैनल में इन्वाइट किया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद खान है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं डॉक्टर हूँ। और मैं पहले इस्लाम धर्म की सारी रीति रिवाजों को मानता था, बट अब मैं जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए हुए ज्ञान को आधार बनाकर, उनके बताए हुए भक्ति मार्ग को आधार बनाकर मैं साधना, उस खुदा की इबादत कर रहा हूँ। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने इस्लाम धर्म छोड़ा क्यों? सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा। मेरा पिछला जो इंटरव्यू चला था उसमें भी बहुत से कमेंट्स ये आए थे हमारे पास में कि मैंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। मैंने इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ा, मैंने इस्लाम धर्म की जो अंदर चल रही गलत साधना को छोड़ा है। इस्लाम धर्म के अंदर जो बताए गए गलत, जो मुल्ला मौलवी साहब काजियों ने जो हमें गलत रास्ता जो तय कर दे रखा था उसको छोड़ा है। तो सर, फिर आपने संत रामपाल जी को ही अपना गुरु क्यों बनाया? भारत में तो करोड़ों गुरु हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि संत रामपाल जी महाराज ही वो बाखबर हैं जिसके बारे में कुरान शरीफ में सूरत फुरकान आयत नंबर 52-59 में बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने ही उस कलाम पाक का सबसे जो गहरा रहस्य ज्ञान था वो सब जनता के सामने दिया, बताया। संत रामपाल जी महाराज ही वो बाखबर है जिन्होंने उस परवरदिगार के बारे में बताया कि वो परवरदिगार कौन है, वो खुदा कौन है, उसको इबादत करने का तरीका क्या है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो इस्लाम धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, क्या वो लोगों को पता नहीं है कि कौन बाखबर है और क्या भक्ति जो चल रही है वो गलत है? एक्चुअली क्या है ना कि सर, जो मुस्लिम धर्म के जितने भी समाज के लोग हैं वो अधिकतर क्या थे, पहले अशिक्षित थे। जैसे ये शिक्षा आई है, शिक्षा आने के बाद ही सबको पता चलेगा कि वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज वो बाखबर हैं जिन्होंने कुरान शरीफ के बारे में सच्चा ज्ञान, जो कुरान शरीफ का, वो संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। अभी तक जितने भी मौलवी साहब काजियों ने, बच्चा पढ़ने की बजाय बच्चे को मदरसे भेजा जाता था जिसमें अरबी और उर्दू को पढ़ाया जाता था, बट शिक्षा आने से क्या हुआ कि हमें हिंदी और इंग्लिश की भी नॉलेज हुई है। इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज होने के बाद ही हमें पता चला कि कुरान शरीफ हमें किस तरफ, किसका आदेश दे रही है, कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा किस बाखबर के बारे में बता रहा है। उस बाखबर के बारे में वो बोल रहा है कि उसके बारे में किसी, उस खुदा के बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो वास्तव में वो खुदा कौन है, उस खुदा की इबादत करने का तरीका क्या है, उस खुदा को पाने का रास्ता क्या है। जब ये सारी बातें बताएगा वो बाखबर। अब पूरे हिंदू, आपने जैसे क्वेश्चन किया मेरे से कि कितने गुरु हैं यहाँ पर, जितने भी गुरु हैं, चाहे वो पवित्र हिंदू समाज में देख लो, चाहे वो पवित्र मुस्लिम समाज में मौलवी साहबों को देख लो, ईसाई में देख लो, सिख में देख लो, वो क्या करते हैं? कोई ब्रह्मा जी की पूजा बताता है, कोई तीनों देवताओं की पूजा बता देता है, कोई कहता है कि जी मौलवी साहब कहते हैं जी उसकी चादर बोल दो, अजमेर साहब वाली जी की चादर बोल दो या किसी और मजार की चादर बोल दो, ये ऊट पटांग सिस्टम जो बताए गए। फिर उसके बाद में किसी भी गुरु के पास जाओ, वो कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म का प्रारब्ध का कर्म है, ये तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज से पहले गुरु आए हैं या गुरु हैं या प्रजेंट में भी संत रामपाल जी महाराज के अलावा जितने भी गुरु हैं, उन्होंने किसी ने ये नहीं बताया कि कबीर ही वो भगवान है, कबीर साहिब ही वो खुदा है, कबीर साहिब ही वो परवरदिगार है। तो सर, मेरा आपसे, मैं आपको रोकना चाहूँगा, मुझे आप ये बताइए कि जो कुरान में लिखा है, क्या कुरान में लिखे हुई चीज़ों को मुस्लिम इस्लाम फॉलो नहीं कर रहा है क्या? नहीं, कुरान शरीफ में। सर, कैसे कह सकते हो कुरान सबसे पवित्र धर्म माना जाता है और कुरान के अकॉर्डिंग ही भक्ति की जा रही है, इबादत की जा रही है,
तो आप ये कैसे सिद्ध करोगी कुरान में जो लिखा है वो असली अल्लाह की इबादत नहीं है या अल्लाह की इबादत नहीं है? सर, पवित्र पुस्तक जो कुरान शरीफ है, जो इस्लाम धर्म के अंदर नाजिल हुई है और वो पूरी इंसानियत के लिए है। बहुत से मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि ये हमारी आसमानी किताब है। ठीक है, आसमानी किताब है, पर आसमानी किताब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के द्वारा हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, होने के दौरान उनकी जो बातें हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा उस खुदा ने कुरान शरीफ के द्वारा इंसानियत के लिए इस जहान में दे दी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वास्तव में कुरान शरीफ कलाम पाक जो है, कुरान मजीद जो है, उसमें लिखा क्या है? कुरान शरीफ के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की कुर्बानी, कहीं भी किसी भी प्रकार के जानवरों की कुर्बानी का जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ के अंदर ये नहीं है कि आप जो है, जो आज के टाइम में मुस्लिम समाज के अंदर चल रहा है, जो मुस्लिम समाज जो आज के टाइम में एक अथेंटिक ये बना के चले हैं कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वो वाकई में कुरान शरीफ के अंदर लिखा है। अब आने वाले समय में जो भी त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार पे एक त्यौहार बना दिया खीर का, एक त्यौहार बना दिया बकरे का। अब बकरे का जो त्यौहार बनाया है वो कुरान शरीफ के अंदर बताया गया है कि कुरान शरीफ में ये बोला गया, बताया कि जैसे मौलवी साहबों की सुनो तो मौलवी साहब तो ये कहते हैं कि हमारी कुरान शरीफ में बोला गया है कि बकरी की कुर्बानी दो। कहीं भी एक आयत में आप ये बता दो, किसी भी आयत के अंदर आप ये बता दो कि कुरान शरीफ के अंदर ये लिखा है कि इस जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। सर, कुरान में तो लिखा है ना कि अल्लाह ने दिया है कि इतने जानवर हमने आपके लिए दिए हैं, इतने खुर वाले दिए हैं, तो इस तरह से ही तो कुरान में ये जो जीव जानवरों की जो हत्या बकरों की या ऊंट की जो बलि दी जाती है, तभी तो लोग कर रहे नहीं, क्यों करेंगे इस पाप को? कुरान शरीफ की जो आयतें हैं उनका तर्जुमा जिस प्रकार से ये तर्जुमाकारों ने किया है, ये तर्जुमा नहीं है। तो मतलब क्या अल्लाह का आदेश नहीं है कि बकरे की बलि दो? या अल्लाह ताला, अब वही सर, यही मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में हमारी किताब कुरान शरीफ हमें क्या कह रही है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में वो खुदा कौन है जिसके बारे में कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा ये कह रहा है कि जिसने आसमान और जो कुछ ज़मीन इसके दरमियान है, इसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उस खुदा के बारे में, उस परवरदिगार के बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। यदि कुरान शरीफ को बोलने वाला ही खुदा वो स्वयं वो परवरदिगार है तो वो किसी बाखबर की तरफ संकेत नहीं करता। मतलब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या कुरान का ज्ञान दाता जिसने कुरान बोली है वो अल्लाह नहीं है? अगर कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को ही आप अल्लाह समझते हो, या जिस तरह मुसलमान भाई ये कहते हैं कि पवित्र जो कुरान मजीद है ये खुदा की जुबान है या खुदा का बोला हुआ ज्ञान है, तो वो खुदा ये भी तो कह सकता है कि भाई वो बाखबर मैं हूँ, या मोहम्मद वो मोहम्मद जिसने आसमान और ज़मीन जो कुछ इसके दरमियान है उसको बनाया, वो खुदा मैं हूँ, उसको बोलने में क्या दिक्कत थी? ये वो डायरेक्शन क्यों दे रहे हैं कि जी भाई उस बाखबर से पूछ कर देखो? तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा वो कभी भी अपने आप को वो परवरदिगार, वो खुदा का दर्जा नहीं दे रहा, जिसके लिए मुस्लिम भाइयों को बस इतना ही समझने की देर है कि वास्तव में वो खुदा कौन है। वो खुदा कबीर है जो कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पृथ्वी पर आके और ये कुरान शरीफ का गहरा ज्ञान हम सभी मुस्लिम भाइयों के सामने रखा। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि कुरान का ज्ञान दाता अल्लाह नहीं है और अल्लाह कोई और है, तो आपको क्या लगता है इस तरह से विवाद नहीं होगा कि जो इस्लाम धर्म है, इतने बड़े बड़े मौलवी हैं, मोहम्मद जी हुए हैं, इतने जो आपके पैगंबर वगैरह, उनको ज्ञान नहीं था कि कुरान का ज्ञान दाता अल्लाह नहीं है? सबसे पहली बात तो यह है कि एक बहुत सी छोटी सिंपल है कि कभी भी किसी भी मुस्लिम समाज के ज्ञान के बारे में यदि कोई सच्चाई बताने की जरूरत करे तो उस पर बवाल बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों से आप बवाल पैदा करो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा क्या कह रहा है। हमें कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि कुरान शरीफ के अलावा चलना है। हमें कलाम, जब कुरान शरीफ हमारे ऊपर नाजिल की गई थी तो मोहम्मद साहब ने कहा है कि ये पूरी इंसानियत के लिए नाजिल की गई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल मुस्लिम समाज ही इस चीज़ को फॉलो करे।
ये हर कोई धर्म के बंदे इस चीज को फॉलो कर सकते हैं कि वास्तव में वो खुदा कौन है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि खुदा कौन है। खुदा एज ए मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि हम कुरान शरीफ के अलावा किसी और किताब को नहीं मानेंगे या किसी और किताब के ज्ञान को नहीं सुनेंगे। जैसे पवित्र गीता जी, चारों वेद, ये शास्त्र जितने भी हैं, मुस्लिम समाज के जितने भी मौलवी हैं या जो भी एक पर्सन है, वो ये कहता है कि नहीं, ये हमारे धर्म की किताब नहीं, हम इनको नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि खुदा, वो कबीर खुदा जो है, एक मिसाल के तौर पर एक सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुरान में कहाँ लिखा है कि कबीर खुदा है, कबीर अल्लाह है? बहुत सी जगह लिखा है। कहाँ लिखा, प्रमाण बताइए। तो जैसे आपको हमने पहले भी बता रखे है, फला तूतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसके बारे में भी बहुत सी बार जिक्र हो चुका है, बहुत सी बार आप लोगों को बता चुके हैं हम, कि कहीं भी कबीर शब्द का अर्थ आता है कबीरन खबीरन, वो अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार है, या फिर कबीर है, बड़ा है, मेहरबान है, वो दिखाई देने वाला है, सुनने वाला है, जानने वाला है। तो इसका अर्थ क्या है कि क्या ये कबीर खुदा जो है दिखाई देने वाला, दिखता है जभी तो दिखाई देने वाला है, सुनता है जभी तो सुनाई देने वाला है। फिर आप उसको बोल देते हो, मौलवी साहब काजी ये बोल देते हैं कि जी वो तो निराकार है, वो तो बेजून है। बेजून आदमी कभी भी दिखाई नहीं देता, निराकार आदमी को कभी सुनाई नहीं देता। तो हमें क्या पता कि खुदा जो है इंसानी रूप में है, या मेल है, या फीमेल है, या फिर कुछ और है, या वो दिखाई देगा कि नहीं देगा। इस सारी चीज़ों का ज्ञान जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज थे, उन्होंने हमें बताया, तब हमें पता लगा कि वाकई में ही कबीर खुदा है, और उसकी इबादत करने का तरीका भी संत रामपाल जी महाराज ने ही बता रखा है। बहुत से मुस्लिम कहते हैं कि नमाज ही वो एक ऐसी पूजा है जिससे हम जो है खुदा के उस जन्नत में चले जाएंगे, जहां से जाने के बाद इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे। तो क्या नमाज ही वो सबक है? इसकी जानकारी लेनी चाहिए। बस हमें ये पता होना चाहिए कि नमाज वाक्य में ही वो इबादत करने का तरीका, जहां जिसको पढ़ने के बाद हम जन्नत में चले जाएंगे। एक तरफ तो कहते हैं खुदा निराकार है, दूसरी तरफ कहते हैं कि खुदा हमें कयामत के दिन मिलेगा। तो खुदा जब निराकार है तो कयामत के दिन हमें कौन मिलेगा? फिर एक तरफ कहते हैं कि हम एक बार कब्र में जाने के बाद में, जब हमारा इंतकाल हो जाता है और हमें कब्र में दफना दिया जाता है, इंतकाल होने के बाद में जब हम कब्रिस्तान में होते हैं, तो कहते हैं कि हम कयामत के दिन उठेंगे। जबकि वास्तव में ज्ञान जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया है, वो ये है कि हमें 84 लाख योनियां तो भोगनी ही पड़ेंगी, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। खुदा ने धर्म नहीं बनाया, खुदा ने धर्म नहीं बनाया, धर्म तो केवल इंसान ने ही बनाया और इनको फॉलो कर रहे हैं। खुदा ने एक इंसान को बनाया, और इंसान को इसलिए बनाया कि ये एक मनुष्य जन्म इसलिए मिला ताकि इसी मनुष्य जन्म के अंदर हम अच्छे और बुरे की पहचान करके, खुदा और शैतान की पहचान कर, खुदा की इबादत करके उस जन्नत में चले जाएं, उस इबादत को ग्रहण करके, उस बाखबर की खोज करके उस जन्नत में चले जाएं, जहां जाने के बाद इस शैतानी लोक में हम नहीं आ सकते। एक ये तरीका है जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है। सर, मेरा एक सवाल यह है कि अगर कोई मुस्लिम भाई या मुस्लिम समाज का व्यक्ति कहता है कि भाई जब कुरान का ज्ञान दाता भगवान नहीं है, जिसको कुरान ने बोली वो अल्लाह नहीं है, तो फिर वो कौन है? इस टॉपिक को आप अगर कोई भी मुस्लिम भाई या बहन या कोई भी मुस्लिम बिरादरी अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि खुदा के बारे में जानने के लिए आपको सभी किताबों का पढ़ना पड़ेगा। पवित्र हिंदू समाज के अंदर जितने भी गुरु हैं, ये कहते हैं कि ये जो गीता जी अथेंटिक है, गीता जी अथेंटिक है, तो गीता जी को बोलने वाला खुद ब्रह्म ये कह रहा है कि उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, जिसकी शरण में मैं भी हूँ, इसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर। तो इसका मतलब गीता जी पूरी तरीके से कंप्लीट बुक नहीं हुई। इसी प्रकार कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा ये कह रहा है कि जिसने आसमान और जो जमीन, जो कुछ इसके दरमियान है, सबको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। वो नहीं जानता, वो तो साफ मना कर रहा है, वो नहीं जानता कि वो बाखबर कौन है,
वो खुदा के बारे में बताएगा, उस बाखबर की तलाश करो। तो हमें गीता जी को भी देखना है, हमें इस पवित्र कुरान शरीफ को भी पढ़ना है। दोनों को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वास्तव में वो खुदा कौन है जिसके बारे में गीता जी में बोला गया है तत्वदर्शी संत की तलाश कर, और कुरान शरीफ में बोला गया है कि उस बाखबर की तलाश कर जो तुझे खुदा के बारे में बताएगा और खुदा की इबादत करने का तरीका बताएगा। और वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने वास्तव में ही खुदा का तरीका और खुदा की इबादत करने का तरीका बताया है। जितने भी मुस्लिम भाई या जितनी भी मुस्लिम बिरादरी जो मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम एक चीज़ का अनुमान लगा के चलिए कि वास्तव में जिसकी आप इबादत कर रहे हो, जिसका आप इबादत कर रहे हो, जिसकी आप इबादत करने का तरीका आपने अपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना रखा है, वास्तव में वो खुदा है भी के नहीं है, इतना तो हम पता कर सकते हैं। यदि है तो उसको साबित करो। जैसे आज हम इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कुरान मजीद के द्वारा कि कुरान शरीफ के अंदर या कुरान मजीद के अंदर उस खुदा, जो खुदा कुरान शरीफ को बोल रहा है, कुरान शरीफ जिस खुदा की इबादत बताई गई है, कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा मोहम्मद साहब को कह रहा है कि उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो, जो खुदा ने, जिस खुदा ने पूरे जहान को बनाया, आसमान और ज़मीन जो कुछ इसके दरमियान उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। बाखबर उसे कहते हैं कि जो खुदा के बारे में सही सही जानकारी, सही इबादत करने का तरीका और सही वास्तव में ही खुदा के बारे में सही परिभाषा जो हमें बताए उसे बाखबर कहते हैं। उसे बाखबर बोल दो, तत्वदर्शी संत बोल दो, ईश्वरीय शक्ति बोल दो, रहनुमा बोल दो, या अवतार बोल दो, या पैगंबर बोल दो, या खुदा का बताया हुआ दूत बोल दो, खुदा का भेजा हुआ दूत बोल दो, ये सारी चीज़ ही बाखबर की डेफिनेशन होती है। इसके अलावा बाखबर की कोई डेफिनेशन नहीं। और जो बाखबर आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके अलावा इस पृथ्वी पर तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सर, इसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि इस्लाम धर्म में तो मोहम्मद जी के बाद तो कोई बताया ही नहीं गया कि कोई दूसरा पैगंबर आएगा, मोहम्मद जी को अंतिम पैगंबर बताया गया है, तो आप इस्लाम के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग कैसे मानेंगे कि संत रामपाल जी बाखबर हैं, क्योंकि वो पहले ही मान चुके हैं कि मोहम्मद जी अंतिम पैगंबर थे। सर, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम समुदाय के अनुसार यदि देखा जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम पैगंबर थे, बट आप ये कह रहे हो कि आप कैसे कह सकते हो कि मुस्लिम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके अलावा उनके आगे कोई पैगंबर नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि सर, मोहम्मद साहब ने के द्वारा जो ज्ञान बताया गया था, या मोहम्मद साहब ने इतना गहरा ज्ञान आज तक हमें नहीं बताया, मोहम्मद साहब जो इबादत का तरीका मोहम्मद साहब ने अपनाया था, उस इबादत के तरीके को पूरे मुस्लिम लो अपनाता आ रहा है, पूरा मुस्लिम कंट्री अपनाती आ रही है। बट जो ज्ञान संत रामपाल जी बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया, इससे ये साबित होता है कि जिस ज्ञान के बारे में मोहम्मद साहब को भी नहीं पता था, जिस खुदा के बारे में मोहम्मद साहब को भी नहीं पता था, जिस खुदा को मोहम्मद साहब खुदा मानकर इबादत कर रहे थे, उनकी सच्चाई के बारे में मोहम्मद साहब को भी नहीं पता था, वो उसके बारे में बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है, तो इससे ये साबित होता है कि वास्तव में आज के टाइम में कोई अगर पैगंबर है, आज के टाइम में कोई ईश्वरीय शक्ति है या अवतार है, तो वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने वास्तव में ही खुदा का असली परिभाषा बताई है। सर, मुस्लिम समाज में एक धारणा बनी हुई है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जबकि और धर्मों में या संत रामपाल जी ने भी बताया है डॉक्टर जाकिर नायक की डिबेट में कि जो इस्लाम धर्म की जो ये मान्यता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है, पुनर्जन्म होता है। तो सर, आप बताइए वास्तविकता क्या है। अकॉर्डिंग टू कुरान मजीद अगर चला जाए तो कुरान मजीद में कहीं भी ये नहीं लिख रहा कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर वास्तव में पुनर्जन्म नहीं होता है तो आपने हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पूरी जनता को दिखाई है, उसमें जब मोहम्मद साहब बकर नामक जानवर के ऊपर बैठ के ऊपर गए थे, वहाँ जब नमाज के लिए बोला गया था उनको, तो वहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले थे। जब पुनर्जन्म नहीं होता है तो वो वहाँ पहुँच कैसे गए, उनका भी तो वहाँ पहुँचे कैसे, वो कयामत से पहले वो वहाँ कैसे पहुँच गए,
जब ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू मौलवी साहबों के द्वारा, जब ये बोला जाए कि कयामत के दिन कब्र खुलेंगी और कयामत के दिन सबका हिसाब किताब होगा, तो कयामत से पहले वो वहाँ पहुँच कैसे गए? हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी जो हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने पूरी जनता को दिखाई है, उसमें आप देखो, उसको पढ़ के देखो आप कि वो जब वहाँ गए, उन्होंने वहाँ नमाज के लिए बोला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम जी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। तो जब कयामत आई नहीं, और तो कयामत आई नहीं, तो उससे पहले वो वहाँ पहुँच कैसे गए? तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो मुस्लिम धर्म के अंदर ये जो धारणाएं चल रही हैं कि भाई पुनर्जन्म नहीं होता, ये एक झूठी अफवाह फैला रखी है, ये एक अपने आप को सच साबित करने के लिए एक झूठी अफवाह फैला दी, जिसके कारण ये है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती हैं, ये सारी चीजें प्रक्रिया आम जीव के साथ होता है। कुरान में कहीं ऐसा लिखा है कि पुनर्जन्म होगा, या ऐसा कोई प्रमाण है इसका? कुरान मजीद के अनुसार अगर चला जाए तो सूरह अम्बिया आयत नंबर 103 में लिखा हुआ है कि हम आसमानों को पहले की तरह दोबारा लपेट देंगे। कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा ये कह रहा है कि हम आसमान और जमीन को दोबारा लपेट देंगे, और हम ये करेंगे, और ये करना भी जरूरी है, और हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आपसे मैं जितने भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी मुस्लिम भाई ये देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों पे मत जाओ। आप, ये कुरान मजीद है और कुरान शरीफ है जो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। आप इस किताब को आप हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा के आप जानकार हो उसमें खरीद कर आप इसको पढ़ के देखो, और हमारे ज्ञान, जो हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है कुरान शरीफ, उसको मिलान करके देखो, आपको 1% भी कहीं कमी नज़र नहीं आएगी। और इसी ज्ञान के आधार, इस कुरान मजीद के ज्ञान के आधार पर आप जो मौलवी साहब हैं, जो काजी साहब हैं, उनके ज्ञान को भी तुलना करके देखो, आपको निरानिरी वो झूठे नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी है कि जो कुछ कहेंगे झूठ कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो सच्चाई इससे पहले बता देते तो हम एक दूसरे के प्रति ये ना सोचते कि ये धर्म गलत है या ये समाज गलत है, ये धर्म गलत है, ये समाज गलत है। किताबें सारी ही खुदा के बारे में बता रही है, चाहे वो पवित्र कुरान शरीफ हो, चाहे वो पवित्र ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अर्थवेद हो, या पवित्र बाइबल हो, या पवित्र गीता जी हो, ये सारी किताबें ही कुरान और तौरात इंजील जबूर, ये सारी किताबें ही खुदा के बारे में बताती है। केवल एक ही किताब को सब कुछ समझ के बैठ जाना कि केवल एक ही किताब हमें उस खुदा के बारे में बताएगी, तो ये गलत है। एक सब्जेक्ट के पास होने से आप ना तो आप अपना फ्यूचर बना पाओगे, ना आप उस डिग्री को या उस सर्टिफिकेट को ले पाओगे जिस सर्टिफिकेट की आपको आपके फ्यूचर में ज़रूरत है। तो हमें खुदा की इबादत इस संसार में, खुदा की इबादत इस संसार में, इस जहान में, इस शैतानी लोक में ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें सारे सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा और सारे सब्जेक्टों में पास होना पड़ेगा, तब जाके हम उस खुदा के रास्ते को अपना सकते हैं और उस खुदा के भेजे हुए बाखबर की पहचान कर सकते हैं। वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने कुरान मजीद, पवित्र गीता जी, चारों वेद, सभी शास्त्रों का जो गहरे से गूढ़ ज्ञान जो है हमें सिंपल वे में बता दिया, ताकि हम उस खुदा की, उस परवरदिगार की, उस अल्लाह ताला की पहचान कर सके और उसकी इबादत कर सके। सर, एक हमारा अगला सवाल आपसे है कि इस्लाम धर्म के सबसे विवादित मुद्दा है कि जो मांस खाने का है, जो बकरे काटने का है, ऊंट काटने का है, मतलब कोई भी बड़ा सा बड़ा जानवर काट देते हैं, तो क्या एक अल्लाह ऐसी इजाज़त दे सकता है? क्योंकि अल्लाह के भी बच्चे जो जीव जंतु हैं वो भी अल्लाह के ही बंदे हैं, तो क्या अल्लाह ऐसी इजाज़त दे सकता है इस्लाम में कि भाई आप बकरे काटो, ऊंट काटो, जो भी आता है, गाय काटो? तो क्या आपको लगता है, और आप ये भी बताइए कि हज़रत मोहम्मद जी जो हुए थे, क्या उन्होंने कभी बकरे का कत्ल या ऊँट का कत्ल या गाय का कत्ल किया था? सबसे पहले तो ये कुर्बानी जो है आने वाले समय में, एक्चुअली अगस्त में बकरीद आ रही है, मुस्लिम समुदाय का त्यौहार होता है, मुस्लिम धर्म का। तो ये बकरीद जो है हज़रत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हुए थे, उनको रात को स्वप्न आया कि कोई अद्वितीय अदृश्य शक्ति उनसे ये कह रही है कि अपने सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दे। अब उन्होंने ये सोचा, अपने आप ही उन्होंने ये सोच लिया कि सबसे प्यारी चीज़ इंसान की उसकी औलाद होती है, तो वो अपनी औलाद को लेके चल दिए। तो जहाँ औलाद को लेके चले तो वो जंगलों में गए, बहुत सी जगह ये मिसाल आ रहे हैं, जंगलों में गए, बहुत से ये कहते हैं कि वो पहाड़ों पे चले गए, ठीक है, क्लियर किसी को पता नहीं, पर अगर वास्तव में हकीकत को देखा जाए तो वो जंगलों में गए थे अपने बच्चे को लेके, और वो जंगल में ले जाके उसने अपने बच्चे को उल्टा लिटा दिया, उल्टा लिटा के अपनी आँखों में पट्टी बांध ली। वो पट्टी भी इसलिए बांधी क्योंकि उसका लगाव था उसके अंदर, ताकि वो उसके ऊपर छुरी ना चला सके। जब उसने वो छुरी चलाई तो एक वाक्य आया है, जैसे अकॉर्डिंग टू मौलवी साहब काजियों के साहब आया कि वो छोरे बच्चे की गर्दन से हटके वो दुम्बे में जाके लग गई। अब दुम्बे का मतलब लकड़ी का टुकड़ा भी होता है, दुम्बे का मतलब भेड़ भी होता है, भेड़ का बच्चा भी इन्होंने दुम्बे का मतलब, तो वहाँ कहते कि भेड़ का बच्चा जो है जिबह हो गया, यानी कि भेड़ का बच्चा जो है कि गर्दन कट गई। अब वाक्य ये है, अब इसमें ये कह दे कि जब से ये कुर्बानी का जो है वो चलने लग गया, पर हकीकत क्या है? हकीकत ये था कि खुदा ने परीक्षा ली हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परीक्षा ली कि सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दे। उनका गलत तरीका था, उन्होंने अपनी बुद्धि से ये लगा लिया कि खुदा जो है मेरे बच्चे की कुर्बानी मांग रहा है, यानी कि मेरे बच्चे का सर मांग रहा है। तो खुदा को यदि मंजूर होता तो बच्चे का ही सर कटता, तो इसका मतलब खुदा को कुर्बानी मंजूर ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये, अब वाक्य आता है हमारे पैगंबर जो लास्ट एंड फाइनल है, जो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जीवनी में आप ये बता दो कि कबीर बोध के अंदर भी हमारे कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बता रखा है, बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने कबीर बोध के अंदर दिखा रखा है, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 की सोगन जिन्होंने नहीं करद चलाया। तो ये वाणिया बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने कबीर बोध के अंदर से हमें बताया है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने जीवन काल के अंदर कभी भी किसी भी जानवर की जिबह नहीं करा, किसी भी जानवर को कुर्बानी नहीं दी। जब हम फॉलो मोहम्मद साहब को कर रहे हैं, हम अपने नबी को फॉलो कर रहे हैं, तो नबी की बातों को हम कितना तवज्जो दे रहे हैं, क्या ये कभी जिंदगी में हमने किसी मुस्लिम भाइयों ने सोचा है? नहीं सोचा। हम एक आयत पढ़ते हैं, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बकरे की गर्दन के ऊपर छुरी चला देते हैं। इस आयत का मतलब क्या है कि शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो उस गर्दन पे जब हम इस आयत को पढ़ के चला रहे हैं, इस सूरे को पढ़ के उसकी गर्दन पे छुरी को चला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्या उस गुनाह का हकदार खुदा हो गया? उस गुनाह का हकदार खुदा तो नहीं हुआ। जब खुदा ने कुरान मजीद के अंदर, या खुदा कुरान मजीद को बोलने वाला खुदा, या मोहम्मद साहब की जीवनी के अंदर, या मोहम्मद साहब के पूरे जीवन काल में कहीं भी किसी भी चीज को कत्ल नहीं किया जाता था, जिबह नहीं किया जाता था, तो हम इन चीजों को क्यों कर रहे? फिर हम ये सोचते हैं कि ये खुदा का आदेश है, ये केवल हमारे मौलवी साहब काजियों का आदेश है, ना कि खुदा का आदेश है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन हमें वाकई में पता लग जाएगा कि जितने बकरों की, या जितने मुर्गों की, जितने गायों की, या जितने चार पैर के जानवरों की हम जिबह कर रहे हैं, उनका कितना भारी गुनाह हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर और आने वाले यहाँ से जब हम इंतकाल होने के बाद जब हमें भुगतने पड़ते हैं, वो कितना एक जो सर्कल जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा है, उसके हिसाब से यदि हम ज्ञान को आधार बनाकर देखा जाए तो कितना बड़ा गुनाह और कितना बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं। शहजादी, जैसा कि आपने बताया, आपके पैगंबर को सपने में या फिर एक अंतर ऐसी अदृश्य आवाज़ आई कि भाई अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बानी दो, तो उन्होंने अपने लड़के की कुर्बानी देने के लिए चले। तो फिर सारा मुस्लिम समाज है, तो जो बकरीद पे जब कुर्बानी का दिन आता है, तो उस दिन अपने परिवार के अपने लड़कों की कुर्बानी क्यों नहीं देते हैं, या अपने बकरों की कुर्बानी क्यों देते हैं? सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा है, और मैं जितने भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी बंदे देख रहे हैं, कभी लॉजिक सोचा है किसी ने कि वास्तव में जिस खुदा, जो मुस्लिम धर्म इतना पवित्र धर्म है, जहाँ पर जिसमें
शराब पीना हराम बता रखा है, नाचने गाने हराम बता रखे, फिल्में देखने हराम बता रहे, यहाँ तक कि लेडीजों को श्रृंगार करना भी हराम बता रखा है। वहाँ पर वो ये कह रहा है कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा, या फिर वो निराकार शक्ति ये कह रही है कि भाई वहाँ पर जाके किसी को, जो एक इब्राहिम अलैहि सलाम को स्वप्न आया और उसने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए गया और उसका बेटे को भी, बेटे की भी कुर्बानी को मंजूर नहीं किया, मंजूर नहीं किया, और वो खुदा एक बकरे की, एक भेड़ की या एक गाय की कुर्बानी मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं था। खुदा कभी किसी को आदेश नहीं देता, ना खुदा ने कभी किसी की हत्या के लिए बोला, ना खुदा ने ये बोला कि जिबह कर दो, ऐसा कुछ आदेश नहीं है कुरान शरीफ के अंदर। खुदा जो है वो खुदा तो ये कहता है कि सभी खुदा के बच्चे, और खुदा की पहचान करके और बाखबर संत रामपाल जी महाराज की पहचान करके खुदा की इबादत को ग्रहण करो और खुदा की इबादत करके जन्नत में जाओ। शहजाद खान जी, मेरा आपसे सवाल, अगला सवाल है, क्या मांस खाना खुदा का आदेश हो सकता है? जो पूरा मुस्लिम समाज मांस खा रहा है, अब तो हिंदू भी खाने लगे हैं, ईसाई भी खाने लगे, ईसाई तो खाते हैं और सिख भी खाते हैं, तो जो कुरान में मांस खाने का दावा किया जाता है और कुरान का और अल्लाह का जो रेफरेंस लिया जाता है, अब तो इस्लाम में काफ़ी आपका बचपन वहीं से गुजरा हुआ है, तो आप कैसे आप इस चीज़ को समझ रहे हैं जैसे संत रामपाल जी की शरण में आप आए हैं? देखो, मुसलमान धर्म के अंदर जो मांस खाने का प्रावधान है और उसको मौलवी साहब या काजी साहब ये कहते हैं कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा मांस खाने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले तो कुरान शरीफ एक आसमानी किताब, पहली किताब नहीं है, इससे पहले भी 3 किताब और नाजिल हो चुकी है इस जहान के अंदर, जो कि जिसके अंदर मांस खाने का कोई आदेश नहीं है, ठीक है, उसमें भी उस खुदा ने, उस परवरदिगार ने हमें फल खाने के लिए बोला गया है, ठीक है, जैसे तोरेत है, इंजील है, जबूर है, जो कि आज उनका रूपांतर बाइबल है, ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि उस खुदा ने, उस परवरदिगार ने, उस परमेश्वर ने हमें फलदार वृक्ष, फलदार फल खाने के लिए बोला गया है। मांस खाने का आदेश जो है कुरान शरीफ के अंदर जो बताया गया है वो शैतान का है, ना कि खुदा का है। नहीं, आप एक बात मानिए, हज़रत मोहम्मद साहब जो सबसे बड़े हमारे नबी थे, उनसे बड़ा मेरे ख्याल में कोई सच्चा मुसलमान इस जहान के अंदर नहीं है, ना उनसे ज़्यादा किसी उनके जैसी इबादत करने वाला कोई है, तो उन्होंने भी तो मांस को नहीं छुआ, उनके 180,000 शिष्य हो गए, उन्होंने मांस को नहीं छुआ, जो कि हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने भी उनका रेफरेंस दिया है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और 180,000 की सौगत जिन्होंने नहीं करत चलाया, तो इसका मतलब यह है कि नबी मोहम्मद जो रसूल थे उनको उनके 180,000 शिष्य होने के बाद भी उन्होंने मांस खाने का आदेश नहीं दिया। और जितना भी आज का जो मुसलमान समाज है वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पे चलता है, ये बताते हमें मौलवी साहब, बट उनके बताए हुए मार्ग पे चलने से पहले उनके जो कर्म है उन्होंने मांस को नहीं खाया और ये मुसलमान खाते हैं, तो आप बताइए खुदा का आदेश कहाँ है? अगर खुदा का आदेश तो मोहम्मद साहब ने भी तो फॉलो करना था, अगर खुदा का ही आदेश होता, ये शैतान का आदेश है ना कि खुदा का आदेश है। कुरान में लिखा हुआ है तो आपको क्या लगता है कुरान में शैतान आदेश कर रहा है? देखो, कुरान शरीफ जो है उसमें, अगर कुरान शरीफ पूरी तरीके से ही कंप्लीट बुक है तो कुरान शरीफ के बारे में कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा ये नहीं कहता कि उस खुदा के बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। सबसे पहली बात तो अगर हम कुरान शरीफ को ही एक कंप्लीट बुक मान के चलेंगे तो हम उस खुदा की इबादत का तरीका और उस खुदा के बारे में कभी ज़िंदगी में हमें पता ही नहीं चल पाएगा। उसके बारे में तो हमें ये फॉलो करना है कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा, जो कि मोहम्मद साहब को ये डायरेक्शन दे रहा है कि किसी जिस खुदा के बारे में जानना चाहता है या जिसने आसमान और ज़मीन जो कुछ इसके दरमियान 6 दिन में बनाया, 7वें दिन तक पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर दे, तो कुरान शरीफ का ज्ञान तो भाई साहब यही है कि कुरान शरीफ का ज्ञान यही कहता है कि हमें उस बाखबर संत रामपाल जी महाराज की तलाश करनी चाहिए, तो हमें सच्चे खुदा की इबादत करने का तरीका बताएगा। सर, जैसा कि आपने बताया भी कुरान में शैतान ने मांस खाने का आदेश दिया, तो शैतान ऐसा क्यों करता है? शैतान इसलिए करता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम अपने जन्नत में वापिस जाए, शैतान नहीं चाहता कि हम उस परवरदिगार की पहचान कर ले, शैतान नहीं चाहता कि हम उस बाखबर संत रामपाल जी महाराज की पहचान करके उसके द्वारा बताए हुए भक्ति साधना को ग्रहण करके और उस कबीर खुदा की इबादत करें, जहां जाने के बाद जहां वो कबीर खुदा जन्नत में विराजमान है और जहां जाने के बाद हम इस दोबारा शैतान लोक में नहीं आएंगे, ये शैतान चाहता है ताकि हमें वो मांस आहारी बना दे। नहीं, आप एक बात बताओ, आज के टाइम में सभी समाज के समुदाय के लोग मांस खाते हैं, यदि मुस्लिम समाज
मांस को छूता नहीं, तो कोई भी धर्म या समुदाय का लोग मांस को नहीं खाता। शहजाद जी, जैसा कि आपने बताया कि जो कुरान है वो कंप्लीट बुक नहीं है, तो जो कुरान के द्वारा जो साधनाएं चल रही हैं, जैसे 5 रोज की नमाज होती है और बकरीद होती है और कई प्रकार की ईद होती हैं, रमजान होता है, तो क्या ये साधना गलत है? जैसा कि मुस्लिम समाज के अनुसार आपने देखा कि इसमें 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है, 2 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, रोजे रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, इससे इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है और इससे इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानियां ख़त्म हुई हैं। इनसे बड़े यही साधना जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर थे, जो हमारे नबी थे, जो खुदा के अकॉर्डिंग टू मौलवी साहब के खुदा के बहुत प्यारे रसूल थे, वो भी ये ज़िंदगी में फॉलो करते थे। उनके जीवन काल में क्या हुआ, 25 साल की उम्र में उनको 40 वर्ष 2 बार विधवा हो चुकी, आमीना बेगम के साथ उनका निकाह हुआ, जिनके सामने उनके 7 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से जो 3 लड़के उनके आंखों के सामने इंतकाल को प्राप्त हो गए। पूरी ज़िंदगी उन्होंने दुखों का सा व्यतीत करने लग गए और ईमान को फैलाने की पूरी कोशिश करी और पूरी ज़िंदगी दुखों में व्यतीत करे। लास्ट में उनका जो लास्ट एंड फाइनल जो जीवन था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां देखकर एक बीमारी के कारण वो मौत को, इंतकाल को प्राप्त हो गए। जब मोहम्मद साहब की इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा पूरे जीवन काल के अंदर, तो आप ये बताइए, एक लॉजिक है कि जब उन्होंने इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा एक पैगंबर होने के नाते, एक रसूल होने के नाते, एक खुदा के नुमाइंदे होने के नाते, तो आज ये मुस्लिम समाज ये क्यों सोचता है कि इनकी परेशानियां उस इबादत से ठीक हो जाएगी? बाखबर संत रामपाल जी महाराज जो है वो केवल मुस्लिम समाज को नहीं, वो सभी को ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसके अकॉर्डिंग चलो और उसमें जो बताया गया है उस बाखबर की तलाश करो, वो बाखबर ही उस खुदा के बारे में बताएगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे आज के टाइम में इतने कैंसर हो रहे हैं, इतने रोग हो रहे हैं मुस्लिम समाज में, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर बचा होगा जहां दुखों का पहाड़ ना होगा। और आज जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज से शिष्य जुड़ रहे हैं, ना वो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, केवल वो मानव है और उनको केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज उस परम पिता परमेश्वर, उस खुदा की इबादत करने का तरीका बताते हैं, ज्ञान देते हैं और भक्ति करवाते हैं, ताकि उनका जो दुख है, चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो, चाहे किसी को डॉक्टर ने 5 दिन के बाद मरने के लिए बोल दिया हो, चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो भी आज पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे। ये है खुदा का कारनामा, ये है खुदा का करिश्मा। और आप एक तरफ नमाज पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, ईद बकराईद मना रहे हो, मुर्गे काट रहे हो, बकरे काट रहे हो और 4 पैरों के जानवरों को कत्लेआम कर रहे हो, और उसके बाद में फिर आप सोचते हो कि आपके घर में बरकत हो जाएगी, आपके घर को दुखों का पहाड़ टूट जो है, दुखों का जो दुख परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये काम शैतान के हैं, ये इंसान के काम नहीं है। इंसान के काम जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो करना। शहजाद जी, मुझे एक चीज़ बताइए, कहीं आप इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को कहीं बदनाम तो नहीं कर रहे हैं आप? देखो सर, हम बदनाम नहीं कर रहे, हम केवल ये बता रहे हैं कि मुस्लिम धर्म अच्छा है, मुस्लिम समाज गलत है। हम केवल ये बता रहे हैं, जिस समाज के अंदर पहले दारू नहीं पी है, शराब को हराम समझा जाता था, सारी चीज़ों को हराम समझा जाता था, आज उस पहले अगर शराब का हिस्सा किसी अंग पे गिर जाया करता था तो उस शरीर में से उस अंग को काट दिया जाता था। जहाँ पर शराब को इतना हराम समझा जाता है, वहाँ पर इस तरह की मांस खाना या फिर अश्लील हरकतें करना या फिर डांसबाजी करना या ये जो भी ये सांसारिक चीज़ें हो रही है उनको इन्वॉल्व करके और ये कह दे कि ये खुदा का आदेश है, हम इस चीज़ को गलत कर रहे हैं कि कुरान पूरा मुस्लिम समाज जो है कुरान शरीफ के अनुसार बोला गया जो है ज्ञान उसके अनुसार नहीं चल रहा। बस इतना बात, हम किसी धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, हम किसी समाज को बदनाम नहीं कर रहे, हम समाज में जो गलत कुरीतियां चल रही है, हम समाज में जो गलत बातें चल रही है, हम समाज के अंदर जो गलत अपनी तरफ से जो बना रखी मनगणत कहानियां, जो पाखंडी बना रखे हैं, जो मनगणत मनमाना आचरण चला रखा है, उसको गलत साबित कर रहे हैं, ना कि हम किसी धर्म को या किसी समाज को बदनाम कर रहे हैं। हमारा धर्म और समाज से कोई वास्ता नहीं, हम तो केवल ये बताते जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं आ रहा, जो कि हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज का नारा है। सर एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कुरान शरीफ का ज्ञान है, जैसे आप बता रहे हो बार बार कि शैतान,
अगर कुरान शरीफ का ज्ञान आप अगर आपके पास में कुरान मजीद है तो आप उसको खोल के देखो, आपको पांचवें पेज पे मिलेगा कि कुरान शरीफ उतरने का संग्रहण, मतलब कुरान शरीफ किस प्रकार उतारी गई थी, कुरान शरीफ किस प्रकार नाजिल की गई थी। सबसे पहली नाजिल हुई थी कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा अपना एक फरिश्ता भेजता है जिसका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उसमें विवरण आता आगे चल के कि वो एक वही लेकर आता है जिसमें घंटी जैसी मालूम होती है। यह मोहम्मद साहब को इतना कष्ट होता था इसमें कि मोहम्मद साहब खुद इस बात को बोल रहे हैं उसके अंदर कि इसमें उनकी जान सी निकल जाती है। तो आप बताइए क्या ये खुदा का काम है? आप एक रहम वाला एक तरफ बोल रहे हैं औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ खुदा का नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है, तो क्या ये रहम के काम है? तो इससे ये साबित होता है, इससे एक तो ये साबित होता है कि खुदा जो कुरान शरीफ को बोलने वाला ज्ञान है, ये कुरान शरीफ को जो बोला गया है या नाजिल की गई है वो बड़ा कष्टदायक था, क्योंकि हजरत जिब्राहिम अलैहि सलाम जो थे उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद साहब को आके बोला इकरा। इकरा का मतलब है कि तुम पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कई तरीके अपनाए, या तो उनके अंदर घुस जाया करते थे, उनके अंदर जिस्म के अंदर चले जाया करते थे, वो बोल दिया करते थे, या फिर उनके अपने आप से छाती मिला लिया करते थे, उनके शरीर के अंदर ऐसे प्रेतवत घुसने के बाद तो बोल दिया करते थे। कई कई जगह तो मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ के अंदर ये वाक्या भी आया है कि उनको इतना कष्ट होता था कि उनका ऐसा लगता था कि आज उनके प्राण ही निकल जाएंगे। तो आप बताइए कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा वो खुदा है या शैतान है या क्या है? यह आप खुद समझदार हो कि खुदा खुदा जैसे काम करता है और शैतान जैसे काम करता है। सर, जो मौलवी हैं जो विश्व भर में जो मुस्लिम समाज फैला, जो बड़े बड़े मौलवी हैं, तो क्या उनको, आपको नहीं लगता है वो इन चीज़ों को अब समझना चाहिए? जो वाह खबर संत रामपाल जी जो ज्ञान कुरान का खोल के बता रहे हैं, तो क्या उनको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि संत रामपाल जी कुछ अलग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं? क्या ये चीज़ उन्होंने समझने की कोशिश की? तो मैं तो मेरी अगर बात अगर पूरा जहान सुने, मैं तो ये कहूँ पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को सोचे, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देखे कि वास्तव में बाखबर संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो और धर्म गुरुओं के ज्ञान से अलग क्यों है, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी मुस्लिम धर्म के अंदर मौलवी हैं, काजी हैं, अगर उनको बाखबर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कोई त्रुटि नज़र आती है, या फिर ये कहते हैं कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज को कुरान शरीफ के बारे में या कलामे पाक के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, या फिर उनके दिमाग में एक बहुत सी बातें चलती है कि ये हमारे धर्म से नहीं है, या फिर ये मुसलमान नहीं है, इनको हमारे धर्म की नॉलेज नहीं है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि ये बात है तो आज तक इन मौलवी साहबों ने ये क्यों नहीं बताया कि सूरत फुरकानी आयत 52-59 में कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा मोहम्मद साहब को यह कह रहा है कि उस खुदा के बारे में किसी बाकब्र से पूछ कर देखो? क्यों नहीं बताया आज तक? क्यों इस चीज को इसको अंधेरे में रखा गया? और आज बता दो कि वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज नहीं है, कौन है? अगर आज ये बता दे कि वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज नहीं है, उसका प्रमाणित कर दे, तो हम उनके पास चले जाएंगे जो ये बताएंगे वो बाखबर कौन है, और बताइए, क्योंकि आज तक किसी ने बताया नहीं। ये तो संत रामपाल जी महाराज वो बाखबर रूप में इस पृथ्वी पर आए, ठीक है, उन्होंने उस कबीर खुदा के बारे में ये बताया और सभी सदग्रंथों का रिफरेंस लेके ये बताया कि गीता जी में ये लिख रहा है, कुरान शरीफ में ये लिख रहा है, तौरात इंजील जबूर किताब के अंदर ये लिखा हो। आज तक इन्होंने कुरान शरीफ के बारे में पूरा तर्जुमा हमें नहीं बताया मौलवी साहबों ने, और बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने तो जो तीन किताब पिछली नाजिल हुई हैं, तौरात इंजील जबूर, उनके बारे में तक बता दिया, तो इन्होंने तो हमें कुछ बताया नहीं। इन्होंने तो एक कसम खा रखी है, जो कुछ कहेंगे झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सर, एक प्रकरण डॉक्टर जाकिर नायक का भी बीच में आया था कि संत रामपाल जी ही एक संत थे जो हिंदुस्तान में, जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती को स्वीकार किया था, जो बहुत चैलेंज करते थे। फिर बाद में प्रकरण आया कि भाई मुस्लिम समाज ने डॉक्टर जाकिर नायक को अपने समाज से निकाल दिया, तो वो मतलब काफिर है, इस तरह की सारी चीज़ें बातें सामने आई थी। तो जो उनकी डिबेट थी संत रामपाल जी की और डॉक्टर जाकिर नायक की, जिसके माध्यम संत रामपाल जी ने कुरान के बारे में डिटेल में बताया, तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? क्या जो आज मुस्लिम उस चीज़ को देख के इग्नोर करता है कि भाई डॉक्टर जाकिर नायक तो काफिर है, हम उसकी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो आप इसको कैसे क्लियर करोगे कि संत रामपाल जी ने जो दिखाया सही था या डॉक्टर जाकिर नायक गलत था? सबसे पहली बात तो सर,
आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस परवरदिगार का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि डॉक्टर जाकिर नायक के माध्यम से बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें कुरान शरीफ का पूरा ज्ञान समझाया। अगर ये कहते हैं मुस्लिम भाई कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है बहिष्कार कर दिए गए हैं, या डॉक्टर जाकिर नायक जो है निकाल दिए गए हैं, या उनको काफिर घोषित कर दिया, या व्हाटएवर जो भी है, मैं डॉक्टर जाकिर नायक से कोई वास्ता नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नायक को क्यों देख रहे हो आप? आप डिबेट में ये देखो कि संत रामपाल जी महाराज ने, वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने कुरान मजीद का ज्ञान समझाया है, कुरान मजीद को खोल के दिखाया है, ना कि डॉक्टर जाकिर नायक को खोला है। कुरान मजीद के अंदर जो बातें लिखी हुई है, कुरान मजीद के अंदर जो आयतों का तर्जुमा कर रखा है, वो कुरान मजीद को खोल के दिखाया है। तो आप डॉक्टर जाकिर नायक को क्यों मान रहे हो? आप जो कुरान मजीद के अंदर बातें उनको तो मानो, अगर आप मुसलमान हो तो कुरान मजीद के अनुसार चलो, आप डॉक्टर जाकिर नायक के अनुसार क्यों चल रहे हो? ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब जी ने डिबेट के लिए आमंत्रित कर लिया, और एक बाखबर संत रामपाल जी महाराज जिसका किसी को नहीं पता था, जिसका ये भी नहीं पता था कि भाई वो एक मुस्लिम समाज से नहीं, क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि कुरान शरीफ को पढ़ने का अधिकार केवल मुसलमानों को, पर एक बाखबर संत रामपाल जी महाराज उन्होंने एक ऐसे ज्ञान को जो काफ़ी सालों से कुरान मजीद के अंदर दबा हुआ था उसको सभी मुसलमान भाइयों के सामने रख दिया, और आज मुस्लिम भाई ज्ञान को इग्नोर करके डॉक्टर जाकिर नायक को पकड़े बैठा है, और वो डॉक्टर जाकिर नायक को इग्नोर करके अगर कलाम पाक कुरान शरीफ के ज्ञान को पकड़ ले तो उसकी ज़िंदगी में चेंजिंग आ सकती है। जैसे बाखबर संत रामपाल जी महाराज की नाम लेने से या शरण ग्रहण करने से या उसके द्वारा बताए हुए खुदा की इबादत करने से सबकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, उसी प्रकार उन भाइयों से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मेरी यही दरख्वास्त है कि आप भी डॉक्टर जाकिर नायक को इग्नोर करके जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने उस डिबेट के अंदर कुरान शरीफ के ज्ञान को खोला है, उस ज्ञान को फॉलो करके उस खुदा की पहचान करो, और उस खुदा के बताए हुए बाखबर की पहचान करके और इबादत करके और जन्नत में जाने की तैयारी करो। सर, जिस तरह से आप संत रामपाल जी की शरण में आए, तो क्या और भी मुस्लिम परिवार या मुस्लिम लोग संत रामपाल जी से जुड़ रहे हैं? या बिल्कुल काफ़ी, और अब तो ऐसी बाढ़ आ रही है कि जिसको खुदा चाहिए ना वो संत बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएगा, क्योंकि आज का चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज का बंदा हो, चाहे किसी भी धर्म का बंदा हो, आज का जो मनुष्य है वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, अनपढ़ ही नहीं आ सकता, अनपढ़ता भी आएगी, अनपढ़ता के कारण ही आज लग मुस्लिम समाज जो है उस खुदा की पहचान नहीं कर पाया। बट आज के आज जो ये समाज चल रहा है, ये खुदा का लाख लाख शुक्र है जो हम शिक्षित, उसको केवल ये देख के मत चलो कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है बर्खास्त कर दिया है, उसको ये मत देखो, डॉक्टर जाकिर नायक अपना रेफरेंस दे रहे थे और संत रामपाल जी महाराज उस कुरान शरीफ का रेफरेंस दे रहे थे जो कि केवल मुस्लिम समाज पर लागू थी और मुस्लिम समाज के लिए थी और मुस्लिम समाज के लिए ही वो नाजिल की गई थी जो कि मौलवी साहब बताते थे। आज वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने उस कुरान शरीफ को पूरे जहान को दिखाया है, पूरे मुसलमान भाइयों को दिखाया है, तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि उस ज्ञान को समझे, उस बाखबर की पहचान करे और उस खुदा की पहचान करके उस बाखबर से बताए हुए उस खुदा के भक्ति मार्ग को अपनाकर उस जन्नत में जाने की कोशिश करें। सहजाद जी, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि जैसा कि आपने बताया बाखबर संत रामपाल जी अल्लाह की जानकारी रखते हैं, खुदा की सही जानकारी रखते हैं, तो ये कैसे माना जाए, कैसे पहचाना जाए कि संत रामपाल जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं, जो खुदा की डेफिनेशन बता रहे हैं वो सही है? कैसे जो आम समाज है कैसे उस चीज़ को भाप पाएगा, जान पाएगा? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने केवल एक पहलू को देखा, एक पहलू को देखा है, आपने ये नहीं देखा कि शहजाद जो है, जो मैं शहजाद जो हूँ वो चल तो मैं कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग ही रहा हूँ, पर उसका रीज़न ये है कि हमारी कुरान शरीफ के अंदर ये बताया गया है और पवित्र गीता जी में भी ये बताया गया है, अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये बताया गया है कि जो बाखबर होता है या जो तत्वदर्शी संत होता है वो तीन प्रकार की भक्ति देता है। जैसे अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ओम तत्सत, और इसी प्रकार आयत नंबर 42 के आयत सूरा नंबर 42 के आयत नंबर 1 में एन सिन काफ, जो ये तीनों साधना के बारे में बताता है वो बाखबर होता है और वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है। तो मैं चल तो कुरान शरीफ के ही अकॉर्डिंग रहा हूँ,
बट आप ये कहते हो कि मैंने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, या मुस्लिम मुस्लिम धर्म को नहीं छोड़ा, मुस्लिम धर्म के अंदर जो साधनाएं चल रही थी, जो वास्तव में जो तरीका था इबादत करने का, वो छोड़ा है और सच्चे खुदा का तरीका अपनाया है। इसके अलावा ना तो मैंने कोई धर्म छोड़ा है, ना मैंने कोई समाज छोड़ा है। शहजाद जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि आपने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी के द्वारा जो भक्ति है विधि आप वो कर रहे हो, और संत रामपाल जी जो है वो कबीर साहब की भक्ति बताते हैं, तो आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि कुरान में जो लिखा है वो संत रामपाल जी कुरान वाली ही भक्ति आपको बता रहे हो और आप वही भक्ति कर रहे हो? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक पहलो को देख रहे हो। मैं आज भी कुरान शरीफ के द्वारा बताई गई ही भक्ति मार्ग कर रहा हूँ। अगर किसी भाई को इस ऐसा लगता है कि शहजाद ने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, शहजाद ने मुस्लिम धर्म को नहीं छोड़ा, शहजाद ने मुस्लिम धर्म के अंदर जो पाखंड चल रहा था उसको छोड़ा है, सामाजिक कुरूतियाँ जो चल रही थी उसको छोड़ा है, क्योंकि शहजाद ने कुरान शरीफ में जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने आयत नंबर 1 सूरा नंबर 42 के अंदर जो एन सीन काफ का विवरण है, और उसी प्रकार अध्याय गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत्सत का विवरण है, ये तीनों जो क्लियर बता देता है वही बाखबर होता है, वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया। इसी प्रकार वो बाखबर तीन प्रकार की भक्ति या तीन प्रकार की इबादत उस कबीर खुदा के बारे में बताता है। खुदा एक है, उसका नाम एक है, तो उसको पाने की विधि भी एक है जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उसको पाने की विधि भी एक है जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो खुदा भी एक बताते हैं, उसको पाने की विधि भी एक बताते हैं, और नियम भी एक बताते हैं, और सभी मानव समाज को एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं या जितने भी वर्ल्ड के हैं या जो भी मुसलमान भाई या जो भी भाई इसको देख रहा है वीडियो को, उनसे प्रार्थना यही है कि आप अपनी किताबों को पढ़ो, आप अपने शास्त्रों को पढ़ो, और आप अपने गीता जी को और जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं हमारी इस आसमानी किताब, इनको पढ़ो और उस बाखबर की पहचान करो, उस तत्वदर्शी संत की पहचान करो। आप खुदा को पाने की और प्राप्त करने की देखने की बात कर रहे हो, जबकि इस्लाम धर्म में तो खुदा को बेचून बोला गया, तो ये किस आधार पर बोला गया है? देखो, खुदा को कुरान शरीफ में बेचून नहीं बताया गया है, ये तो हमारे जो मौलवी साहब है, जो काजी साहब है, उन्होंने हमें ये बताया कि खुदा निराकार है या बेजून है। खुदा ने तो कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा तो ये कह रहा है कि वह खुदा जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तकत पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो, तो खुदा निराकार हुआ कहाँ? खुदा तो सब कुछ बनाकर 6 दिन में 7वें दिन तकत पर जा विराजा, उस जन्नत में जाके बैठ गया, तो खुदा निराकार कहाँ? और दूसरा ये है कि इनके पास में वो भक्ति विधि है ही नहीं, इनको भक्ति विधि है ही नहीं कि जो ये खुदा को देख सके। इन्होंने जो साधना जो इन्होंने अपने साधना जो चला रखी है, पूजा करने का तरीका जो बना रखा है, केवल मैं मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बता रहा, मैं जितने भी धर्म है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी खुदा को, भगवान को या ईश्वर को निराकार मानते हैं। इनका रीजन ये है कि इनको वो बाखबर नहीं मिला, ना इनको वो तत्वदर्शी संत मिला जो ये बता सके कि खुदा साकार है, ना इनके पास वो भक्ति विधि जो ये बता सके कि खुदा साकार है। ये जब इनके पास में ये भक्ति विधि नहीं थी, तो इनसे जब पूछा गया कि भाई खुदा साकार है या निराकार है, तो इन्होंने अपने ही मन के विचार बता दिए कि खुदा निराकार है, क्योंकि इनको वो चीज़ नहीं मिली तो इनके लिए वो निराकार है। और आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेदों सभी शास्त्रों का रेफरेंस देके उस कबीर खुदा को साकार साबित कर दिया, तो ये कह रहे कि खुदा फिर भी निराकार है। तो इन्होंने तो जी ये ही कह रखी है कि जो कुछ कहेंगे झूठ कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वास्तव में कबीर जो है खुदा साकार है। सर, एक प्रकरण और आता है कि वहाँ पे जिंदा महात्मा की बात आ रही है कुरान में, कि आप उस जिंदा पर भरोसा रखो, तो ये जिंदा महात्मा जिंदा कौन थे जो मोहम्मद जी को मिले थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे पैगंबर नबी थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया, उनके बारे में एक वाक्य आता है कि मोहम्मद साहब को वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले। अब ये वाक्य क्या है? ये वाक्य ये है कि जब मोहम्मद साहब जो थे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, या मोहम्मद साहब जो थे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो क्या हुआ था कि एक मुसलमान जो था अपने बकरे बच्चों के साथ में जा रहा था, तो एक तगड़े बकरे ने एक नॉर्मल बकरे को आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी कारण से नॉर्मल बकरा जो है वहीं इंतकाल को प्राप्त हो गया, तो वो मुसलमान रोने लग गया था।
जब वो मुसलमान रोने लग गया था तो मोहम्मद साहब वहां बैठ के जो साधना कर रहे थे उठ के आए और बोले कि मुसलमान मुसलमान होके रोता है, तो उन्होंने उस बकरे के पीठ पे हाथ थपथपाया और उस बकरे को जिंदा कर दिया। ये वाक्य जब स्टार्ट हुआ था तो सभी उस बकरे चराने वाले ने सभी को सूचित कर दिया कि मोहम्मद साहब ने जो है मेरे मरे हुए बकरे को जिंदा कर दिया। तो कोई भी बंदा उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। तो एक दिन मुकर्रर किया गया। उस दिन मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि मैं एक गाय को काटूंगा और उसको दोबारा जिंदा करूंगा। तो वहाँ हजारों की संख्या के अंदर लोग बाग इकट्ठे हो गए थे इस वाक्य को देखने, इस नज़ारे को देखने के लिए। तब वहाँ जब वो आए थे तो मोहम्मद साहब ने वो काट तो दी थी, वो कट तो गई थी, पर वो जिंदा नहीं कर पाए। तब मोहम्मद साहब ने उस अल्लाह कबीर को याद किया था। ये वाक्य सभी मुसलमान भाइयों को यदि नहीं पता तो मोहम्मद साहब की जीवनी में पढ़ें और देखें वास्तव में हुआ क्या था। तो जब वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे उनको, वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, केवल मोहम्मद साहब को दिखाई दे रहे थे और किसी को दिखाई नहीं थे। इसलिए बार बार कुरान शरीफ के अंदर ये जिक्र आता है, कलाम पाक की बहुत सी आयतों के अंदर ये जिक्र आता है कि ऐ पैगंबर उस जिंदा महात्मा के ऊपर विश्वास कर, वो जिंदा महात्मा के ऊपर विश्वास कर। तो वो जिंदा महात्मा वो कबीर खुदा थे जिन्होंने आके मोहम्मद साहब की गाय को जिंदा किया और मोहम्मद साहब को बोला कि भक्ति करो, खुदा की इबादत करो। फिर भी मोहम्मद साहब किसी कारणवश नहीं माने और उसकी भक्ति से वंचित रह गए। एक बात और है कि तौरात इंजील जबूर जो किताब है, जो इस्मानी किताब है, जो कुरान शरीफ से पहले नाजिल हुई है, उनका रूपांतर बाइबल है, जिसमें बोला गया है कि उस परमेश्वर ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने, उस परवरदिगार ने 6 दिन में सृष्टि, पहले दिन में ये बनाया, दूसरे दिन में ये बनाया, ऐसे ऐसे करके 6 दिन में उसने सभी सृष्टि को रचना करी और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। बट आगे चल के बहुत सी किताबों के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर या अपनी बाइबल के अंदर या तौरात इंजील जबूर के अंदर भी कहीं भी मांस खाने का प्रावधान बोला गया है, तो वो उस खुदा का आदेश नहीं है। उस खुदा ने तो 6 दिन में सृष्टि को रचा, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसका खुदा का आदेश नहीं है। मिसाल के तौर पर यदि एक बाप एक मकान को 6 दिन में बना रहा है, उसकी सारी चीज करके, और 7वें दिन उसकी चाबी अपने बेटे को देके चला जाए और आगे चल के उसका बेटा उस मकान के नक्शे को चेंज कर दे और उसका ही प्रावधान उसके बाप को दिया जाए या उसका जो नक्शा चेंज करा उसका जिम्मा उसके पिताजी को दिया जाए, तो ये गलत है। ये आगे चल के ये शैतान का लोक था, शैतान ने ये चीज़ें मांगी थी। तो शैतान को सारी चीज़ें सुख सुविधा देने के बाद वो कबीर परमेश्वर, वो कबीर खुदा अपने उस जन्नत में जाके विराजमान हो गए। और उसके बाद में आगे चल के अगर किसी भी किताब के अंदर या किसी भी ग्रंथ के अंदर मांस खाने का प्रावधान है तो वो शैतान का है, ना कि कबीर खुदा का है। उस सच्चे खुदा ने केवल हमें फल खाने के लिए बोला है और हरी सब्जियां खाने के लिए बोला, इसके अलावा उस सच्चे खुदा ने कुछ नहीं बोला। बल्कि ये जो आगे चल के उन्होंने इस जहान को शैतान को दे के, क्योंकि सबको पता है, जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि हम अपनी गलती की वजह से इस लोक में आए और ये शैतानी लोक है, उसके बारे में बाखबर संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। और उनसे आइए, और लाखों मुसलमान जो है हमारे वीडियो को देख के, हमारे चैनलों को देख के, हमारे जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर लाखों मुसलमान जो है केवल हिंदुस्तान के नहीं अदर कंट्रियों के मुसलमान भी बुक मंगवा रहे हैं, उन बुकों को पढ़ के बाखबर संत रामपाल जी की शरण में आ रहे हैं। और लाखों जो करोड़ों कष्टों से दुखी थे उन कष्टों का निवारण बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनके हो रहे हैं। और आप इंटरव्यू भी देख रहे हो, तो मेरी जितने भी वीडियो को देख रहे भाई और बहनों से ये अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है, नरम निवेदन है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज की बुकें हैं उनको मंगवाओ, जो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है, उन बुकों को पढ़ो और एक सच्चे और अच्छे की पहचान, अच्छे और गलत की पहचान करो और सच्चे खुदा की इबादत करो, ताकि आपके घर में भी वो सारी सुख सुविधा हो जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में रह के जितने भी अनुयायी बाखबर संत रामपाल जी महाराज के हैं वो सारी सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं जो एक कबीर खुदा ही दे सकता है, इसके अलावा कोई शैतान नहीं दे सकता। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है। डॉक्टर शहजाद खान जी, आज हमारे साथ आपकी मुलाकात हुई, आपने इस्लाम धर्म की बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। अब हम अंतिम पड़ाव में चलते हैं और आप हमारे दर्शकों को कुछ अपना सुझाव और
अपना मशवरा देना चाहते हैं तो आप दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके चैनल पर आया और मैं चैनल के माध्यम से जितने भी इंसानियत इंसान और मानव समाज के आदमी प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि केवल जो एक मुस्लिम धर्म की बात नहीं है, ईसाई धर्म, पवित्र हिंदू धर्म और सिख धर्म, ये चारों प्रकार के जो धर्म है, इन चारों प्रकार के धर्म में जो साधना हो रही है उन साधना से मोक्ष नहीं है। अगर यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, आप बाखबर उस तत्वदर्शी संत, उस ईश्वरीय शक्ति, उस पैगंबर, उस रहनुमा, उस खुदा के भेजे हुए अवतार की पहचान करके, बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके, उस कबीर खुदा की, कबीर परमेश्वर की, परम पुरुष परमेश्वर की इबादत करो, तभी आपका मोक्ष संभव है। और मोक्ष 100% आपका मोक्ष होगा। और जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज आपको बताते हैं नियम, उस नियम को फॉलो करो तो आपके घर में भी बरकत होगी, आपकी रोजगार में भी बरकत होगी और आपके जिंदगी में जो भी दुख है वो भी ठीक होगा। अगर आप उस बाखबर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलकर उस कबीर खुदा की, कबीर परमेश्वर की इबादत करोगे तो आपका कल्याण होगा। तो दर्शकों, आज आपने पूरा प्रोग्राम देखा इस्लाम धर्म की सच्चाई, जिसमें हमने अहम बिंदुओं पर बात की, जैसे कि पुनर्जन्म नहीं होता है, या अल्लाह विचून है, मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। तो जिस तरह की इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो गलत धारणाएं बनी हुई, उन सबको हमने उजागर किया, उस पाखंडवाद का हमने खुलासा किया। हम ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं और एपिसोड लेके आते हैं, इसमें हम सभी धर्मों की सच्चाई बताते हैं। दूसरा, हमारा ये कोई मकसद नहीं है किसी की हम धर्म भावनाओं को भड़काएं या किसी की भावनाओं को आहत करें। हम लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है इस्लाम धर्म से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पर जाकर संत रामपाल जी VS डॉक्टर जाकिर नायक सर्च करके फुल डिबेट्स देख सकते हैं। वहाँ पर संत रामपाल जी और डॉक्टर जाकिर नायक की 6 पार्ट्स में डिबेट हैं। अगर कुछ और भी जानकारी आपको अपने रिलीजन से रिलेटेड लेनी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और हर रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी, हिंदूज में या जो इस्लाम है, सभी से रिलेटेड वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप वो भी देख सकते हैं। तो आपने आज हमारे साथ पूरा प्रोग्राम देखा, तो ऐसे ही हम आपके साथ आगे भी प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। आप हमेशा जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। पहले तो आपने ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके कुरान शरीफ में। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59, यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाह अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाह अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं। एक बार आप रूबरू करते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ, यह है वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए कुरान शरीफ। और ये है सह अनुवाद सटीपण, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी शेरवानी संस्करण। अब आगे देखते हैं, ये वही है जो का तो जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था, ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। और ये आज का अनुवाद नहीं है, 1969 से चल रहा है ये 17वां संस्करण 2008 ईस्वी में, कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित है, लखनऊ किताबघर अपोजिट ब्राइट मोटर्स मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ पर, ये उनके फोन नंबर है। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था, ये हिसाब ला लो लगभग 44 वर्ष हो गए, और 17वां संस्करण ये अब छपा है। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25 604 पृष्ठ पे, यहां जी नीचे ये 51 आयत यहां समाप्त होती है, ये 52वीं शुरू होती है। फलात उतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है,
जैसे संस्कृत में मैं हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो ये कबीर शब्द है, कबीर ये 52वीं आयत में, और इनका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ कर दिया, ये तो अरबी भाषा में डीपी नागरी लिखी है। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने नबी अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से या मैं जो तुझे कह रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, ये जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, ये जिहाद जो है लठ बजाना नहीं, यानी उनकी बातों में नहीं आना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि इन काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा भगवान है कोई, तुम तो ये पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है, इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो ये काफिर लोग हैं ये नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इनके शब्दों में। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद से कह रहे हैं कि तय भी इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना, इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना मानने ते, यानी आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानने कि कबीर नामक सुप्रीम पावर है वो अल्लाह ताला है, तो तू इनकी बातों में आकर के अपने इस यथार्थ ज्ञान को भूल ना जाना, छोड़ना नहीं। अब क्या बताया है देखो, तो ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है तो काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से यानी मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूं इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। इसका अर्थ यह है कि कबीर के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बात ना मानना, तू सच्ची मान लेना। अब आगे बताया, इसका क्लियर हुआ देखिए। अब ये आपने 52 आयत पढ़ ली, अब 53 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहु बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है रचना है उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनहार भी कौन ही, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है, वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने, और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाहु अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है। आप देखो तो, और ये पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे
अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं, वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहां से चलकर आता है, स्वयं सह शरीर आता है और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में, जिंदा एक बाबा के रूप में। आदरणीय मलुकदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गौ चरा रहे थे, वहां सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले, उनको सचखंड ले गए, इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कासिमाए कबीर हुआ।